अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वीकली प्लानर 2 जो है अप्रैल का, उसके हम तीन सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि इंग्लिश, सोशल स्टडीज और साइंस। जो भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं उसमें आपने करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर एक ही टॉपिक दिया हुआ है आपका, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। हर वो काम जो आपने किया, जो आप कर चुके हैं, जैसे कि अगर आई गो टू स्कूल है तो वो हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट में आप हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक जुमला लिखता हूं, आई रॉट अ लेटर, मैंने खत लिखा। जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप डिड नॉट का इजाफा करते हैं। डिड नॉट के बाद जो रॉट होता है विच इज द सेकंड फॉर्म, वो चेंज हो जाती है राइट लेटर। और जब आप सवाल पूछते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो ये हो जाता है डिड आई, नॉट हट जाएगा और फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू रहेगी अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ये पूरा मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों को आप मिलाएंगे तो एक सेंटेंस बनता है। ऐसे आपने असाइनमेंट में तीन सेंटेंसेस बनाने हैं। इंग्लिश इज ओवर, अब हम